ऐसे जो मैडम थी, खाली मैडम ने मुझे इजाज़त दी कि मैं डॉक्टर जिना में गई, वहाँ की मेरी रिपोर्ट 3 महीने 3.5 महीने हो गए, मेरी कोई आवाज़ उठती नहीं है। मैं जब मुझे मौत की धमकियाँ रात के 2 बजे 3 बजे मेरे घर में आते हैं, मुझे आवाज़ दे देते हैं, मुझे डराते हैं, मैं अगर जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। एक मेरा मामू बोलते जाओ तो कहाँ जाओ, ये तो बता दो। इंसाफ और वकील बोलते हैं तो कानून अंधा है। मैंने बोला जब कानून अंधा है मैं आंखें दिखा के दे दूंगी कानून अंधा है। कोई वकील बोलता है तो ये मेरे दोस्त है, पंचायत वाले मेरे दोस्त है, मैं तो कहाँ जाऊँ। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं खुदकुशी करूँगी। मेरी मदद करो, जो बड़े लोग हैं तो जो ही हो तो मुझे मेरी मदद करो। मुझे कतला में आमला भी हो रहा है मेरे ऊपर, मैं बहुत डरती हूँ बहुत। मुझे कल नुकसान हुआ तो मेरा कानून जिम्मेदार है, मेरा कोई नुकसान हुआ तो कानून है, मैं लिख के दे दूंगी। मैं DIG के पास गई हूँ, मैडम के पास गई हूँ, मैडम थाने वाले को बोलती है, थाने वाले वही करते हैं, बोलते मैडम से हम लोग नहीं डरते हैं। मैडम के नंबर हर चीज मेरे पास है, थाने वाले बोलते हम नहीं डरते मैडम से। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। मुझे अभी किसी ने बोला तो जाओ फेरेस कलम में, वहाँ तेरा फैसला होगा। पुलिस पैसे खाती है, पुलिस केसों को दबा के रखती है, खासकर मलिर थाना, औरतों की इज्जत मजाक उड़ाते हैं मलिर थाना। अल्लाह देता अल्लाह रखा है, अल्लाह देता ये तो बहुत मजाक उड़ाता है कानून का। हर दिन दाऊ बोर्ड में आते हैं, क्यों आता है? चार चार पुलिस आती है दाऊ बोर्ड में, क्यों, किस वजह? ये भी जवाब चाहिए हम लोग को। कहाँ जाए बता दे, औरत कहाँ जाएगी? मर्द को हक है, औरत को नहीं है, क्यों? मेरे मोहल्ले वाले शराब पी के मुझे गालियां दे के सर में डंडा मार के बोलते तू कुछ नहीं करोगी, तू कुछ नहीं करोगी। हम पैसे भरते थाने में,